नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर यूपी के जनपद रायबरेली से है, जहां रायबरेली जिले के स्ट्रांग रूम में ड्यूटी कर रहे दरोगा की मौत हो गई है। दरोगा की हालत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल रायबरेली लाया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। दरोगा की मौत से जिले का पुलिस महकमा गमगीन है। फिलहाल मौत के सही कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही चल सकेगा। जानकारी के मुताबिक भदोही जनपद के मूल निवासी 58 वर्षीय दरोगा हरिशंकर की यहां के मील एरिया थाने में तैनाती थी। लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण में रायबरेली में मतदान हुआ था। मतदान के बाद यहां गोरा बाजार स्थित आईटीआई परिसर में ईवीएम के लिए स्ट्रांग रूम बनाया गया। इसी स्ट्रांग रूम में दरोगा हरिशंकर की तैनाती थी। आज तेज धूप और गर्मी के चलते रायबरेली का पारा अचानक चढ़ा तो दरोगा ने साथियों से उलझन की शिकायत की। साथ ही कुछ उपाय करते उससे पहले ही उनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी। दरोगा की हालत को देखते हुए उन्हें आनन-फानन में जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दरोगा हरिशंकर पहले से ही उच्च रक्तचाप के मरीज थे, जिसके नियमित रूप से वह दवा भी लेते थे। फिलहाल दरोगा का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही उनकी मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। आइए जानते हैं कि क्या कुछ बताया डॉक्टर दाऊद हुसैन ने। सर, क्या परिचय? मैं डॉक्टर दाऊद हुसैन, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रायबरेली, एज ए EMO, आज मेरी ड्यूटी यहाँ पे। डॉक्टर साहब, अभी दरोगा जी के लाया गया था, क्या मामला था? आज ये बहुत बड़ी दुखद सुनने को मिला है कि आज दरोगा जी की ड्यूटी स्ट्रांग रूम में लगी थी। उसके बाद वहाँ पर उनकी सांस लेने में दिक्कत शुरू हो गई। फिर वहाँ से इनको जिला अस्पताल ले आया गया, जहाँ पे इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। क्या नाम था? इनका नाम था हरिशंकर, जो कि 58 साल के थे। रायबरेली से सीनू संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।